चलिए गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास के बारे में सूचना देना था। ऑनलाइन क्लास या कहिए कि यूट्यूब चैनल अक्टूबर से हमारा चल रहा है, तो लगभग मान के चलिए कि 7 महीना से ज़्यादा हो गया। और बैच में हम पहले ही बोले हुए थे कि अब जो भी हमारा क्लास चलेगा वो ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी चलेगा। जो बैच क्लास में चलता है वो सारा बैच यूट्यूब पर लाइव होगा। और पहले से ही बता दिए थे कि एडमिशन भी दोनों का होगा। तो अब आप लोग के विश्वास के लिए कि ताकि विश्वास बना रहे इतना दिन, अब सब लोग को पब्लिकली पढ़ाए, अब जो है YouTube को हम प्राइवेट करने जा रहे हैं। तो जो लोग पहले से पढ़ते हैं वो लोग अपना आई कार्ड हमको WhatsApp पर भेज दीजिए। जिनका आई कार्ड WhatsApp नंबर हम आपको दे रहे हैं, लास्ट में वीडियो में आपको लास्ट में मिलेगा या अभी भी आपको शो होगा। उसके बाद कुछ लोग ये बोल रहे थे कि सर हमारा तो आई कार्ड मोतिहारी में ही छूट गया है। कोई बात नहीं है, आप जिस ईयर में एडमिशन लिए हैं वो ईयर, नेम, रोल नंबर, बैच टाइम ये आप सेंड कर दीजिए। नहीं है आई कार्ड तो थोड़ा सा हमको खोजना पड़ेगा, डायरी तो है ही, मिल जाएगा। और दूसरी बात, जिनका एडमिशन नहीं हुआ है तो इतना दिन बहुत लोग पढ़े, यदि आपको पढ़ाई पसंद आता है तो आप एडमिशन करवा लीजिए। एडमिशन कैसे करवाना है हमारे WhatsApp पर संपर्क करिए, उसे हम आपको बताएंगे। या फ़ोन से पहले WhatsApp पर मैसेज करिएगा, ज़रूरत होगी तो कॉल पर भी बात होगी, आप अपना WhatsApp से संपर्क करिएगा। और उसका चार्ज जो ऑनलाइन का भी फी है वो 1100 रुपया रखें। 1100 रुपया में आपको दोनों मैथ चलेगा, एर्थमेटिक एडवांस रीजनिंग चलेगा। दूसरी बात देखिए, पढ़ाई दो तरह की होती है। हम भी आज बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं, मतलब 96 से ही करियर शुरू किए हैं, मोतिहारी में 98 से पढ़ा रहे हैं, बहुतों साल हो गया पढ़ाते हुए। हमारे समय के अब इंडिया में कुछ ही टीचर लोग हैं, ना तो बहुत लोग रिटायर हो गए जो अभी पढ़ा रहे हैं। तो देखिए पढ़ाई दो तरह का होता है। अब जैसे मान लें कि पढ़ा रहे हैं चैप्टर में, कुछ आ गए पुराने लड़के जो पहले से पढ़े हुए हैं, या हमारे हैं या कहीं और पढ़े हुए हैं, तब उनको लगेगा कि सर थोड़ा सा और भारी भारी पढ़ाइए। लेकिन क्लास जो होता है पढ़ाने का वो लर्निंग होता है, जो चैप्टर पढ़ाई होता है वो नए लोग को देख करके पढ़ाया जाता है। और एक होता है सेट बनवाना, तो सेट में सोचा जाता है कि जो भी लोग सामने हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, उस समय जो है उस समय जल्दी बनाने का ही सिर्फ प्रोसेस बताया जाता है, मेथड पर ध्यान कम दिया जाता है, जो कि समझता है कि सामने वाला सब कुछ जानता है। और जो क्लास में चैप्टर पढ़ाई होता है तो वो एक टीचर का फर्ज है सब कुछ बताएँ, एक अच्छा थ्योरी बताएँ, वहाँ मेथड पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, कंसेप्ट पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और जो लोग पढ़े लिखे हैं तो उनके लिए सेट प्रैक्टिस है, तो वहाँ पर आदमी के दिमाग में होता है चलिए एक आदमी क्वेश्चन बनाना जानता है, जल्दी कैसे बनाना है हम सिर्फ वो बताते हैं। या फिर कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो मान ली कि नया है तो आदमी दोनों तरीक़ा से बताने की कोशिश करता है। तो ये पढ़ाई में फ़र्क है। आप क्लासरूम में पढ़ने जा रहे हैं तो क्लासरूम में पढ़ रहे हैं तो आप क्या जानते हैं नहीं जानते हैं हमको उससे कोई मतलब नहीं होता है। हमारा फर्ज है चैप्टर को बेसिक से पढ़ाना, एकदम शुरुआत से पढ़ाना, शुरुआत से अब तक जो क्वेश्चन का लेवल पूछ रहा है उस तक या उससे आगे तक पढ़ाना, लेकिन शुरू से पढ़ाना। जब शुरू से हम बेसिक नहीं पढ़ाएंगे तो जो अभी तो लोग लर्निंग है उसमें, तो कैसे आगे की बात जानेंगे जब तक हम शुरू की बात नहीं उसको बताएंगे। तो एडमिशन के बारे में ही यह वीडियो बनाए थे, यह आपको सूचना देना था। जो लोग का पहले से एडमिशन है
वो एक बार फिर से आई कार्ड हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करिए। अब जैसे जैसे आप सेंड करते जाइएगा सबका नंबर हम सेव करते जाएंगे और ऑनलाइन क्लास करने वाले का एक अलग ग्रुप बना देंगे। अब जैसे कोई चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए हमको होमवर्क देना है, तो उसी ग्रुप में सेंड करेंगे, सब लोग को मिलेगा। आपको कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप भी उसी में सेंड करिएगा, आपको फिर रिप्लाई मिलेगा, आंसर मिलेगा। अब जो लोग पहले से पढ़े हुए हैं तो उनके लिए तो ग्रुप ऑलरेडी हम बना दिए हैं, टेलीग्राम पर है, तो उसमें सब पढ़े लिखे लोग हैं, तो उसमें मान लीजिए जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होता है, सब लोग कहीं कहीं से लाते हैं, हाई लेवल का स्टैंडर्ड सब होता है, इसलिए कि सब लोग पढ़े लिखे हैं। लेकिन इसमें आप लोग लर्निंग हैं, आप लोग लर्निंग हैं, तो आपको यदि कुछ पूछना है तो हम आपके लिए अलग ग्रुप बना देते हैं, अलग ग्रुप बना देते हैं। जो चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर से अपना क्वेश्चन पूछिएगा, और ग्रुप बन जाएगा तो क्वेश्चन हम भी बता सकते हैं, उसमें कुछ और स्टूडेंट जानते हैं तो वो भी बता सकते हैं, आप भी जानते हैं तो आप भी बता सकते हैं। ग्रुप यही ना होता है, ग्रुप है कि चलिए आज 10 आदमी नहीं है तो फिर कुछ आदमी है, ग्रुप होता है एक दूसरे के सहयोग के लिए। तो ठीक है, बात समाप्त हो गया। अब एडमिशन का आप लोग अपना तैयारी करिए। हमारा भी जो हम सोच करके चैनल बनाए थे, हमारा भी अपना चलते रहे सब चीज़ सीरियल में, आपका भी पढ़ाई नहीं छूटे। आज कम से कम इस सुविधा हम पहले से बनाए हुए थे, आज मोतिहारी में हमारा क्लास नहीं रुका, चलते रहा। हाँ ये कहिए कि पूरा बैच नहीं चला, अब दिन भर में 10 या 11 बैच है, लेकिन 5 बैच तो चला ना, बाकी को बोले चलिए भाई इसी सब बैच में कोई आप पढ़िए, आगे का चैप्टर पढ़ लीजिए, या तो अब तक जो हम सोच के बैच चला रहे हैं, ऐसे 9 बजे है तो शुरू से चला रहे हैं, 7 बजे का बैच है 20 से चल रहा है, उससे थोड़ा पहले से 8 बजे चल रहा है। एडवांस का इधर बैच नहीं था, एडवांस पढ़ा दिए थे, तो उसके लिए आपको शाम में 6 बजे बैच है एडवांस के लिए। एक रीजनिंग का है तो एक रीजनिंग का भी शुरू कर देते हैं बैच, ताकि लोग को दिक्कत नहीं हो। ठीक है, धन्यवाद।